एपिडेंस स्कूल में 21 अक्टूबर से होगा सीबीएसई क्लस्टर 12th वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, तैयारियां पूर्ण। शिवपुरी जिले प्रतिष्ठित हैप्पीनेस विद्यालय परिसर में सीबीएसई क्लस्टर 12th वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 21 अक्टूबर से शुरू हो रही इस चैंपियनशिप को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से अंडर 19 बालक व बालिका वर्ग की करीब 50 टीमों के 500 बच्चे, टीम कोच, टीम मैनेजर व 30 रेफरी सहित लगभग 600 लोग भाग लेंगे। स्कूल प्रबंधन के सभी तैयारियां पूर्ण हैप्पीडेज स्कूल प्रबंधन द्वारा गुरुवार को आयोजित की गई प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि चैंपियनशिप को लेकर उन्होंने बहुत ही कम समय में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। किस प्रकार हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी। ये सीबीएसई के द्वारा संचालित गेम्स होती हैं और मध्य हमारा स्कूल क्लस्टर 12 में आता है, तो सीबीएसई क्लस्टर 12 वॉलीबॉल अंडर 19 हम लोग अपने स्कूल में कर रहे हैं, जिसका संचालन 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक होगा। 20 जो कि आज है, आज टीम रिपोर्ट करेंगी। जितने भी टीम्स हैं मध्य प्रदेश राज्य के अलग अलग शहरों से, आज वो टीम्स आ रही हैं। कोई बस से आ रही हैं, कोई ट्रेन से आ रही हैं, कोई टैक्सी से आ रही हैं। आज सारे दिन वो लोग आएंगी, शाम को फिक्चर्स डालेंगे और तब तय होगा कि कौन सी टीम किसके साथ कितने बजे खेलेगी। कितनी टीमें इसमें शामिल हो सकती हैं? 44 टीम्स ने अपना कन्फर्मेशन हम लोग अभी तक दे दिया है और आज का दिन सारा खुला है, कोई भी टीम कभी भी आ सकती है, क्योंकि करीब 100 टीमों ने रजिस्टर किया है, तो लेट्स सी कितनी टीमें आती हैं। 44 ने हमें फोन द्वारा सूचना दिया है कि हम आ रहे हैं। इसके पहले भी इस तरह का आयोजन स्कूल के द्वारा किया गया है? हाँ, कई बार 2000 हम लोगों ने खो खो किया, खो खो क्लस्टर, हैंडबॉल जोनल, फिर नेशनल खो खो, फिर फुटबॉल, ये हमारा 5वां है। इसमें कृपया कोई ग्रांट वगैरह भी कोई आपके लिए इसमें CBSE? हाँ बिल्कुल, CBSE के द्वारा ग्रांट मिलती है। CBSE अपना कुछ भी कार्य करवाती है तो पैसा देती है, पर वो ग्रांट इतनी होती है कि काम हो जाए, पर अगर उसको बहुत अच्छे से करना है तो फिर आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। CBSE द्वारा इस स्कूल के लिए जो चुना गया, इसका क्या कारण मानते हैं, महत्वपूर्ण कारण क्या मानते हैं? भरोसा, CBSE को भरोसा होना चाहिए कि जिस स्कूल को वो चुन रही है वो इस गेम को ईमानदारी से और एक व्यवस्थित रूप से करवाएगी, तो भरोसा मुझे लगता सबसे बड़ा है। और व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर वो इतने सारे बच्चे आएंगे वहाँ पर इतनी व्यवस्था हो, वो स्कूल सक्षम हो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। 700 से अधिक बच्चे आ रहे हैं स्कूल के अंदर, तो किस तरह से आपने इस कार्यक्रम के लिए? हमारे पास करीब 100 कमरे हैं स्कूल के अंदर और हॉस्टल में हमारे पास 300 बच्चों के रहने की कैपेसिटी है, तो जितनी भी गर्ल्स टीम है उनको हम हॉस्टल में रखेंगे, बॉयज़ टीम को हम स्कूल में रखेंगे। हमने सारे कमरे कल ही साफ करके उनको क्या कहते हैं डिसइंफेक्ट भी करवा लिया है, फॉगिंग करवा दिया था कल शाम को, ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाए, किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए।